नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, करवा चौथ एक दिवसीय त्योहार है जो भारत में अलग अलग नाम से देश भर में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू औरतें अपने पति लोगों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और दिन भर पानी बिना पीते हुए सीधे रात को चंद्रमा देखते हुए व्रत खोलती हैं। यह त्योहार कार्तिक महीने में पूर्णमासी के 4 दिन बाद मनाया जाता है और इसीलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं साथ में पूजा की थाली सजाकर बैठती हैं और करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कहानियां सुनती हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस कहानी के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़ी इन कहानियों में से ही 3 पौराणिक कहानियों की जो देश भर में सबसे ज्यादा कल्चर्स में सुनी जाती हैं। कहानी करवा की। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार करवा नाम की एक महिला अपने पति के प्रति गहरी समर्पित थी। एक दिन पति को नहाते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने यह दृश्य देखा तो अपने पति को बचाने के लिए मगरमच्छ को एक सूती धागे से बांध दिया। उन्होंने मृत्यु देव यम से उस मगरमच्छ को नरक में भेजने की प्रार्थना की। पहले तो यम ने उनको मना कर दिया, मगर करवा की भक्ति की शक्ति को देखते हुए यम को भी झुकना पड़ा और उनकी प्रार्थना स्वीकारनी पड़ी। कहानी महाभारत की। करवा चौथ के रस्म रिवाजों से जुड़ी कहानियाँ महाभारत के समय में भी पाई गई हैं। ऐसी ही ये कहानी है द्रौपदी की। एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए गए हुए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में बाकी पांडव काफी मुसीबत में आन पड़े थे। द्रौपदी पे उनका दुख देखा न गया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का नाम लेते हुए उनको करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। द्रौपदी ने अनुदेश अनुसार उपवास का पालन किया और फलस्वरूप पांडवों को मुसीबत से बचाया। कहानी रानी वीरवती की। बहुत समय पहले वीरवती के नाम से एक सुंदर लड़की रहती थी। वह अपने साथ प्यार करने वाले भाइयों की इकलौती बहन थी जिसकी शादी एक राजा से हुई थी। अपनी शादी के बाद पहले करवा चौथ के अवसर पर वह अपने माता पिता के घर गई। सूरज उगने के बाद उन्होंने एक सख्त उपवास शुरू किया, मगर रानी अपने पहले उपवास की कठोरता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और चांद के उगने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रानी के 7 भाई जो उनसे बहुत प्यार करते थे अपनी बहन की तकलीफ देखकर बहुत परेशान थे और उन्होंने धोखे से अपनी बहन के उपवास को खत्म करने का फैसला किया। भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे नकली रोशनी दिखाते हुए रानी को चांद दिखने की झूठी खबर दी। रानी ने जैसे ही अपने व्रत खोलकर खाना खाया तभी उनके पास राजा के गंभीर बीमार होने की खबर पहुंच गई। रानी वीरवती सब छोड़कर अपने पति के पास भागी तो रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान शिव और माँ पार्वती से हुई, जिन्होंने उनको बताया कि उनके व्रत पूरा ना रखने के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। रानी के बार बार माफी मांगने के बाद माँ पार्वती ने उनको वरदान दिया कि अगर वो करवा चौथ का उपवास दोबारा सही तरीके से रखती हैं तो उनके पति के प्राण वापस आ जाएंगे। और इस तरह रानी वीरवती ने माँ पार्वती के द्वारा मिले इस वरदान से अपने पति को वापसी जीवित किया। दोस्तों, ये थी करवा चौथ से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध पौराणिक कहानियाँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिली तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।